ना, तो मुझे आप लोग बता दो, और लास्ट क्लास में कोई डाउट है तो भी बता देना। और रोहित हिटमैन कहाँ थे भाई, बहुत दिन बाद दिख रहे हो। गुड इवनिंग। ठीक है, काफी टाइम बाद देख रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, यस ऑडिबल। ओके, हाय सागर, हाय हाय सागर, हाय प्रीतेश, हाय हर्ष। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, ऑल क्लियर, डन। सुरेश, हनी, सुरेश, आरजू, गुड इवनिंग। ओके आरजू, डन। चलिए, तो हम लोग ये सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो पॉइंट आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, एक छोटा सा नोट मुझे बताना है आपको, ये आप लोग ध्यान में रखना। ये एक छोटा सा नोट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उसके बाद दोस्तों अपन लोग अपना टॉपिक पढ़ेंगे। ये नोट आप लोग को ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है, अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि महादेव हिल्स कहाँ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महादेव हिल्स कहाँ पर है, महादेव हिल्स कहाँ पर है, तो आंसर बता देना मध्य प्रदेश। ये दो पॉइंट मुझे लास्ट क्लास में बताने थे, बट ये रह गए थे। और एक पूछा जा सकता है आप लोगों से, सात माला हिल्स कहाँ पर है। तो ये याद रखना कि सात माला जो पहाड़ियां हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगी, महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। और अब हम लोग अपना जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। हाय एवरीवन, विवेक, वैशाली, गुड इवनिंग, ज्योतिरादित्य, गुड इवनिंग, विवेक, अतुल, सनी, एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, तो दो पॉइंट्स मैंने आप लोग को बोल दिए, कौन कौन से, महादेव हिल्स कहाँ पर है मध्य प्रदेश, एंड सात माला हिल्स कहाँ पर है महाराष्ट्र। और याद रखना भी देखो आसान है, याद कैसे करोगे, एम फॉर महादेव और एम फॉर क्या होता है, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, और ये क्या भाई, सात माला है ना, सात माला। तो याद रखो कि समुद्र के पास कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। समुद्र के पास कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। तो सात माला भी याद हो जाएगा आपको, है ना। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। ओके भाई रोहित, ओके भाई, महादेव हिल्स भी याद कैसे रखोगे, एम फॉर महादेव, एम फॉर मध्य प्रदेश, और सात माला मतलब एस फॉर समुद्र, और समुद्र कहां पर है, महाराष्ट्र में। ये दोनों बातें याद रखना, और फिर हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एवरीवन। ठीक है, आज का टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, बहुत ध्यान से आप लोग को फोकस करना है, जो टॉपिक है ना, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ कि जो टॉपिक क्या है। ये एनसीईआरटी से लिया है मैंने डायग्राम। हमारा दोस्तों जो टॉपिक है उसका नाम है नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ना है हमको, काफी अच्छा लगेगा आपको मेरे ख्याल से टॉपिक, और काफी सिंपल है, बट ध्यान देना है, उत्तरी पर्वत। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, और इसको मैं कई पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, नॉर्दर्न माउंटेन्स को। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान रखना कि टॉपिक क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन। और इसको सबसे पहले मैं आपको इंडिया के मैप में दिखाऊंगा, और इसके बाद मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल में आप लोगों से बातचीत करूंगा, पूरा डिटेल में आपसे बातचीत करूंगा। ठीक है, चलो। और देखो सारे के सारे बच्चे यहाँ पे फोकस करना, देखो ध्यान से, यहां पर एक रेंज आपको दिख रही है, काराकोरम दिख रही है, नहीं दिख रही, देखो ये तो मैं भी देख सकता हूँ कि दिख रही नहीं, हाँ दिख रही है। देखो ये रेंज क्या है, काराकोरम। इनफैक्ट मैं यहाँ पे अगर और जूम कर दूँ थोड़ा सा तो अब और बेटर दिखेगी। ये रेंज क्या है, काराकोरम, दिख रहा है सबको, काराकोरम। ठीक, काराकोरम के ठीक नीचे देखो ये है लद्दाख रेंज। ये कौन सी रेंज है, लद्दाख रेंज। ठीक, लद्दाख के ठीक नीचे आपको दिख रही है जस्कर, क्या दिख रही है, जस्कर। और ये तिब्बत में आ जाओ तो क्या दिख रही है, कैलाश रेंज। तिब्बत में क्या दिख रही है, कैलाश रेंज। अब ये वाली जो रेंज है ना, फर्स्ट वाली, इसको अपन लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालयास। क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयास। टेंशन मत लो, मैं एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज, बस अभी मैप में देख लो थोड़ा सा। उसके नीचे वाला ग्रेटर हिमालय के नीचे वाला ये जो रेंज है ना, जो जिसमें थोड़े थोड़े गैप दिख रहे हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं दोस्तों मिडिल हिमालयास। क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालयास। क्यों बोलते हैं ये भी बता रहा हूं। और जो सबसे नीचे वाली जो रेंज है, इसको अपन लोग बोलते हैं शिवालिक। एक एक चीज मैं समझाऊंगा, बस पहले मैप में दिखा रहा हूं, इसको अपन क्या बोलते हैं, शिवालिक। और ये देखो, ये है गारो, ये है खासी, ये है जैंतिया, और दोस्तों ये है पूरे हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो माउंटेन है उनके बारे में। तो एक एक करके मैं ये तीनों पार्ट कवर करूंगा, एक एक को मैं मैप से दिखाऊंगा, बट फिलहाल आप देखो ये क्या दिख रहा है, काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जस्कर, और उसके बाद ये क्या दिख रहा है, ग्रेटर हिमालय। फिर ग्रेटर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय। ये देखो मिडिल हिमालय, और ये क्या दिख रहा है, शिवालिक।
और दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको महादेव हिल्स बताया था, ये देखो ये है महादेव हिल्स, ये है महादेव हिल्स, और महादेव हिल्स कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है? ये पूरा जो है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, यहां से लेकर दोस्तों ये पूरा यहां तक, कहां से लेके कहां तक अगर मैं बात करूं, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको एक काम करते हैं और अगर मैं बात करूं कहां से कहां तक, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पूरा यही कहलाने वाला है नॉर्दर्न माउंटेन। यही क्या कहलाने वाला है दोस्तों? नॉर्दर्न माउंटेन। एक एक बच्चे को क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? हाँ जी विवेक जी, जो आप बात कर रहे हो बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, जस्ट अ मिनट, फिर से मैं एक बार जूम करता हूँ इसको, एक सेकेंड, तो ज्यादा ही जूम हो गया, जस्ट मिनट होल्ड डाउन। हाँ जी, अगर मैं आप लोगों से जो बात कर रहा था, आप जो बात कर रहे हो, ये जो कैलाश रेंज जिसकी बात कर रहे हो ना, यहीं पर आपको मिलता है कैलाश मानसरोवर। यहीं पर आपको क्या मिलता है? कैलाश मानसरोवर। बिल्कुल सही बात है, यहीं पर आपको मिलता है कैलाश मानसरोवर। तो यार मेरा सबसे पहला काम तो ये बनता है यार कि मैं आपको सबसे पहले इसको मैप में दिखाऊं। तो मैंने यार इसको मैप में आपको दिखाया, मैंने आपको इसको एनसीईआरटी के मैप में दिखा दिया है, और अब मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये रही हमारी कैलाश रेंज, सब बच्चों को दिख रहा है कैलाश रेंज? और एक एक करके अब मैं इसको अपने वाले डायग्राम में बताऊंगा। और आप जानते हो जो मैं डायग्राम बनाता हूँ वो बहुत सिंपल होता है, और वो जानबूझ के सिंपल इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, आप लोग को समझने में आसानी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, कोई दिक्कत हो किसी को भी तो बिल्कुल बिंदास पूछ लेना, ठीक है ना? कहीं पर भी है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ यार एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, मोटिव यही है, ठीक है ना? एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए नॉर्दर्न माउंटेन। और जब हम लोग संडे को टेस्ट लेने वाले इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी का, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैंने कहाँ से लाए? प्रीवियस ईयर से। कहाँ से लेके आए? प्रीवियस ईयर से, ठीक है? चलो, ये आई होप ये एक रफ डायग्राम आपके मन में क्लियर हो गया होगा। और अब मैं दोस्तों क्या करने जा रहा हूँ, इसी को क्लियर करके बनाऊंगा। ये तो आपको याद रखने के लिए मैंने बता दिया, ट्रिक भी बता दिया, ठीक है? अब चलो, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। आ जाओ, अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और टॉपिक का नाम क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन। टॉपिक का नाम क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन। तो सारे बच्चे बिल्कुल यार जो सेशन है उसको आप शेयर कर देना, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सेशन को आप लोग शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करता हूं मैं। हाँ जी, तो टॉपिक है हमारा ये फिफ्थ नंबर का टॉपिक है ना यार, ये तो मैंने आपको बोला ही नहीं। ये कौन से नंबर का टॉपिक है? फिफ्थ, फिजिकल ज्योग्राफी में। और टॉपिक का नाम क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे उत्तर के विशाल पर्वत या फिर उत्तर के पर्वत। नॉर्दर्न माउंटेन्स, अब बातों को ध्यान से सुनना। नॉर्दर्न माउंटेन्स को हम लोग फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? हम लोग फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या? हाँ जी, आप कॉल कर लीजिएगा। मानसरोवर तिब्बत में है, और तिब्बत जो है वो क्या है? ऑक्यूपाइड है। तिब्बत जो है वो ऑक्यूपाइड है आकाश, ठीक है? चलो अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्दर्न माउंटेन को दोस्तों। और अगर मैं नॉर्दर्न माउंटेन की बात करूं तो इसके तीन पार्ट है, और तीनों पार्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फर्स्ट है ट्रांस हिमालयास, एक एक नाम का मतलब भी समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। ट्रांस हिमालय, और अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूं तो इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं परे हिमालय। ट्रांस हिमालय को हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं? परे हिमालय। देन दोस्तों सिंपल सा है, देन सिंपल सा क्या है? हिमालय। और इन सबको मैं मैप में बताऊंगा, टेंशन मत लेना। और थर्ड वन क्या है दोस्तों? पूर्वांचल। थर्ड वन क्या है? पूर्वांचल। और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। श्योम राठौर, अब समझ लो क्लास अब से शुरू हो रही है, आप ऐसा समझ सकते हो। अभी मैंने मैप में चीजों को दिखाया था और अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? और हमेशा 5 PM पे यार आ जाया करो सब लोग। ट्रांस हिमालयास, हिमालयास एंड पूर्वांचल, ठीक? और जिन लोगों को पॉलिटी पढ़ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 7th ऑफ जुलाई से पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ प्लस में, ठीक? चलो, तो ये ट्रांस हिमालयास, ये हिमालयास और ये पूर्वांचल। अब सबसे पहले मैं इसको मैप में बताऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आओ देखते हैं मैप में। सबसे पहले तो एक मैप में ये जो बना रहा हूं ये रफ मैप होगा,
जो आपको एक हल्का सा एक आइडिया दे देगा, जो मैंने वहां पर बताया कुछ ऐसा ही आप आइडिया समझ सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक रेंज दिखाई थी कुछ इस तरीके से, ये इसको आप लोग नाम दे दो 1, 2 एंड 3, और इन तीनों को आप लोग एक साथ बोल दो कैपिटल ए, और यही कैपिटल ए कहलाएगा ट्रांस हिमालय। ये है क्या, घबराओ मत, एक एक चीज बताई जाएगी। यही क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय। बस साथ में बने रहना, ध्यान देना, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना, ट्रांस हिमालय। सेकंड बात करूं, आपके क्वेश्चन में बिल्कुल लास्ट में ले लूंगा, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन आप लोग के लास्ट में ले लूंगा। अभी जैसे ही मतलब ये वाला टॉपिक होता है तो मैं आपसे डाउट पूछ लूंगा, जो भी आप लोग कमेंट में लिख रहे हो। अभी ये देखो ये क्या है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो जो अभी मैंने आपको बताया था, इसके ठीक नीचे से आपको यहाँ पे जाते हुए दिखेंगी तीन रेंजेस, आपको जाते हुए दिखेंगी तीन रेंजेस। ये थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया है तीन रेंजेस। ये है रेंज 1, ये है रेंज 2, ये है रेंज 3, और इन तीनों को एक साथ आप बोल दो रेंज बी। इन तीनों को एक साथ आप क्या बोल दो, रेंज बी, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं ये वाला जो पोर्शन है, यहां पर भी पहाड़ियां मिलेंगी, इसको आप बोल दो सी। इसको आप क्या बोल दो, सी। एक एक चीज समझाऊंगा, ये ट्रांस हिमालयास, ठीक है, ये बी वाले क्या है दोस्तों, तो बी वाले कुछ और नहीं है, बी वाले हैं सिंपल हिमालय। बी वाले क्या है, सिंपल हिमालय। बी वाले क्या है, सिंपल हिमालय। और जो यहां पर दिखने वाले हैं सी वाले, तो सी वाले क्या है दोस्तों, पूर्वांचल। सी वाले क्या है, पूर्वांचल। और पूर्वांचल को ही आप और एक नाम से जानते हो, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन। नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, क्या बोला दोस्तों मैंने, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन। नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, क्या बात समझ में आ रही सबको। और यही चीज थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे दिखाई थी, अब आप यहां पे ध्यान से देखो, मैं एक एक चीज समझाऊंगा, बस लेक्चर पे ध्यान देते जाना आप सारे लोग। ये देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों मिलाकर के मैंने बोला कैपिटल ए, ठीक, कैपिटल ए। और कैपिटल ए अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो ये देखो, ये रहा कैपिटल ए, यहां पे देखो, ये देखो कैपिटल ए, ठीक है। तो ये मैं वहां पे भी दिखाऊंगा, यहां पे भी दिखाऊंगा, और इससे आप लोगों की एक डेवलपमेंट लाने की कोशिश करूंगा। ये फिर से देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और इन तीनों को एक साथ मैंने बोल दिया कैपिटल बी। अब आप देखो यहां पे देखो, ये देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, और इन तीनों को एक साथ क्या बोल दिया, कैपिटल बी। और इसको मैंने बोला है सी, और सी भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये देखो ये है पूरा सी, यानी कि पूर्वांचल वाला हिस्सा। ये क्या है, पूर्वांचल वाला हिस्सा। क्या आप सब बच्चों को ये समझ में आया, मैंने मैप भी बनाया है और मैंने आपको यहां पर भी आकर के दिखाया है, ताकि आप लोगों को यार चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना, चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। क्या अभी भी किसी भी बच्चे के मन में कोई डाउट है कि ट्रांस हिमालय कहाँ पर है, ये वाले हिमालय कौन से हैं, वो वाले हिमालय कौन से हैं, कोई डाउट है क्या किसी को अब तक? फिर मैं एक एक करके चालू करूंगा जो मैंने अभी आपको बताया है ना। मैंने इस पूरे को क्या बोला एक साथ, ये तीन को एक साथ क्या बोला, ए, ठीक। ये ग्रुप अपना क्या कहलाया, ए। ये देखो ये 1, 2, 3, ये कहलाया ए, ये 1, 2, 3, ये कहलाया बी, और ये वाला क्या कहलाया, सी। क्लियर है, ओके एवरीवन, ठीक है। अब इसी चीज को देखो, इसी चीज को अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैप में बता दिया गया है, आ जाओ यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इनके नेम थोड़े से चेंज कर लेता हूँ, इसको 1, 2, 3 नहीं बोलते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा बाद में। इनका नाम अपन करते हैं थोड़ा सा चेंज। ट्रांस हिमालय को मैं बोलता हूं ए, क्योंकि तो मैंने नाम भी दिया है। हिमालय को मैं बोलता हूं बी, और पूर्वांचल को मैं क्या बोलता हूं, सी। पूर्वांचल को मैं क्या बोलता हूं, सी। अब बातों को ध्यान से देखो, ये देखो, अब आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए इन तीनों पे, यानी कि आपका फोकस होना चाहिए ट्रांस हिमालय पे। किस पे, ट्रांस हिमालय पे। अब ध्यान से देखो, ये जो तीन लाइनें गई है 1, 2, 3, ये तीनों एक साथ क्या है, बी, और बी का नाम क्या, हिमालय। बी का नाम क्या, हिमालय। तो आप ध्यान से देखो, जो ए है वो कहां पर है, वो बी के पीछे है। ए क्या है, बी के पीछे, और
और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ट्रांस का मीनिंग क्या होता है, तो ट्रांस का मीनिंग होता है बियॉन्ड। ट्रांस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? बियॉन्ड, है ना। ट्रांस का मीनिंग क्या? बियॉन्ड। तो देखो हेडिंग आप समझो, हेडिंग समझो ध्यान से। ट्रांस हिमालय को आप क्या बोलते हो? बियॉन्ड हिमालय, मतलब वो रेंजेस जो हिमालय के बियॉन्ड है। और अगर ये हिमालय है, ये हिमालय है, तो हिमालय के बियॉन्ड क्या हो जाएगा? ये तीनों। और दैट्स वाई दोस्तों इन तीनों को हम लोगों ने क्या कहा है? ट्रांस हिमालय का है। इन तीनों को हम लोगों ने क्या कहा है? ट्रांस हिमालय का है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है ना। देखो ये तीनों एक साथ क्या कहलाते हैं? ट्रांस हिमालय। और ये 1 2 3 ये कहलाते हैं हिमालय। तो क्योंकि ये इन तीनों के पीछे है ए, तो ए को अपन क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालय, है ना। ट्रांस का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड, क्योंकि ये बियॉन्ड हिमालय है। और इसीलिए अगर मैं बात करूं हिंदी में दोस्तों, तो हिंदी में अपन बोलते हैं ट्रांस हिमालय को परे हिमालय, मतलब जो हिमालय के परे हैं। क्या आप सभी को ये पॉइंट समझ में आया कि इसका नाम ट्रांस हिमालय है तो क्यों है? गुड इवनिंग रेखा जी, आप लोग मुझे यार कमेंट करके बताओ, थम्स अप करके, कि ये नाम क्लियर हुआ कि इसका नाम ट्रांस हिमालय है तो है क्यों? इसका नाम ट्रांस हिमालय है तो है क्यों? ये समझ में आया नहीं है मुझे, पहले बताओ। सारे बच्चे मुझे बताएं कि ट्रांस हिमालय जो नेम है वो क्लियर है सबको, या किसी के मन में थोड़ा भी डाउट है? सबको क्लियर है या किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट है? यस सर, यस सर, ओके। विवेक, हर्ष, संदीपन, आकाश, सुरेश, सनी, ओके डन। अगर डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि अब मैंने आपको ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय क्यों कहते हैं ये बता दिया। और अब मैं इस ट्रांस हिमालय के जो तीन पार्ट है इनको पढ़ाने जा रहा हूं। ओके सर। साक्षी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चले आगे। हैप्पीनेस, सुमित, एवरीवन, नरेश, हनी, रोहित, पुनित मिश्रा, एवरीवन, आरजू, विपिन, ओके डन। अब चलो हेडिंग डाल लेते हैं। और इसका नाम ही हिमालय है, और इसका तो नाम ही है ना भाई, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन। या फिर इसी को अपन ने क्या बोला? इसी को अपन लोगों ने क्या बोला? पूर्वांचल। आओ देखें, अब हेडिंग डाल लेते हैं ए। हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों ए। और ए हमारा क्या है? तो आप जानते हो दोस्तों, ए है हमारा ट्रांस हिमालय। अब आप लोग को बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि देखो मेरा पहला मकसद ये था कि मैं आपको बता दूं कि ट्रांस हिमालय नेम है तो है क्यों, ठीक है। क्योंकि ये नेम क्लियर हो गया ना, तो मेरा आधे से ज्यादा काम तो हो गया। और यहां से देखो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, मैं सब कवर करूंगा, एक एक क्वेश्चन कवर करूंगा। और देखो अब इसमें जो सबसे पहले है उसका नाम है दोस्तों काराकोरम। जो सबसे पहले है उसका नाम क्या है? काराकोरम। और आप सब लोगों ने काराकोरम नाम जरूर सुना है, आप सब लोगों ने काराकोरम नाम जरूर सुना है। अब इस काराकोरम के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, बट पहले इसको मैं एक बार दोबारा आपको यहाँ पे मैप से दिखाऊंगा। अकॉर्डिंग टू दिस मैप, ये वाली जो रेंज है दोस्तों ये है वन। और वन अभी मैंने आपको बताया कि वन का नाम ही क्या है? काराकोरम। और आगे अगर मैं जाऊं दोस्तों, और आगे जाऊं, तो ये देखो ये रही काराकोरम रेंज। ये देखो ये वाली रेंज क्या है? काराकोरम रेंज। बात समझ में आ रही है? इसी रेंज का नाम है काराकोरम रेंज, है ना। क्योंकि मेरा मकसद ये रहेगा कि आप लोग को यार क्लियर होता जाए। ये है काराकोरम रेंज, जिसको मैंने वन बोला है, ठीक है। आओ अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, चलते हैं वापस। ये रही वन वाली रेंज, ठीक है। तो मैं आपको इसी रेंज को पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है? काराकोरम। चले आगे। काराकोरम बिल्कुल लद्दाख के ऊपर, ये काराकोरम है वन वाली, ये लद्दाख है सेकंड वाली, ये सेकंड वाली लद्दाख है, और थर्ड वाली क्या है? जक्सकर। ये है काराकोरम, ठीक। आगे जाने से पहले आपको बताऊं दोस्तों कि ये कुछ ऐसा है, ये क्या है? ये वाला एरिया किसके कब्जे में है? पाकिस्तान। ये वाला एरिया किसके कब्जे में है? पाकिस्तान। ये वाला एरिया जो है काराकोरम का मैक्सिमम वाला जो हिस्सा है किसके कब्जे में है? पाकिस्तान, ठीक है ना। ये क्या है? ऑक्यूपाइड एरिया है, ऑक्यूपाइड एरिया है। किसके कब्जे में दोस्तों? पाकिस्तान, ठीक। अब मैं आपको पढ़ाता हूं, आ जाओ। काराकोरम के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या क्या बातें हमारे काम की हैं, और उसको डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम जो पार्ट है इसका वो कहां पर है भाई इस समय? वो ऑक्यूपाइड है। वो क्या है? ऑक्यूपाइड है, यानी कि आप बोल सकते हो कि वो कैप्चर्ड है, और उसको कैप्चर कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है किसने? हमारे पड़ोसी ने, जिसका नाम क्या है? पाकिस्तान।
ठीक है, क्या नाम है, पाकिस्तान। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज, और आप जानते हो कभी भी मैं अगर ट्रायंगल बनाता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पीक। एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आओ इसको सबसे पहले मैं आपको मैप में भी बता देता हूँ, ये यहाँ पे है ये ट्रायंगल, ये यहाँ पर है ये ट्रायंगल, ठीक है। और इसको मैं उस मेन मैप में भी बताऊंगा, इसको मैं मेन मैप में भी दिखाऊंगा, आ जाओ देखते हैं। ये रहा, ये देखो ये रहा ट्रायंगल, ये देखो ये यहाँ पे है ट्रायंगल, ठीक है। आप बोलोगे तो आपको मैं फिर से क्लियर करता हूँ, ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको सबको यहाँ पे, ये यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है सबको, ठीक है। और इसी का नाम है दोस्तों, इसी का नाम है माउंट के 2। क्या नाम है इसका, माउंट के 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट फैंसी क्वेश्चन इन ज्योग्राफी। और अगर मैं बात करूं कि माउंट के 2 के बारे में क्या याद रखना है, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, सो सॉरी, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अब कुछ जो है बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो भाई हाँ बिल्कुल पाकिस्तान के कब्जे में है, पर हम लोगों ने इसके ऊपर से क्लेम नहीं छोड़ा है, हम लोगों ने इसके ऊपर से क्लेम छोड़ा है क्या, नहीं छोड़ा है। याद रखना हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है K2, वो राइट नाउ किसके कब्जे में है, कैप्चर्ड बाई पाकिस्तान। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं दोस्तों, तो इसकी हाइट क्या है, 8.6 किलोमीटर, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन से, जो हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड है वो माउंट एवरेस्ट आज पढ़ने वाले हैं, पर जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है वो ये है माउंट के 2। ऑक्यूपाइड है, बिल्कुल ऑक्यूपाइड है, ये कैप्चर्ड है किसके द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। क्या आप सब बच्चों को समझ में आ रहा है, हाँ हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, सब ले लेंगे। चलो आगे देखते हैं, तो अगर हम बात करें ये कैप्चर्ड है पाकिस्तान के पास, बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे कराना था। तो अगर आपसे आज के बाद आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम, तो आंसर बताओ बेटा, आंसर क्या होगा, आंसर बोलो K2, K2, आंसर सब लोग बोलो K2, ठीक है। अब अगर मैं इस K2 के बारे में और बात करूं कि इसका अदर नेम भी है, इसका अदर नेम भी है, कंफ्यूजन नहीं चलनी चाहिए मुझे, नहीं ठीक है। माउंट K2 को ही कहते हैं दोस्तों गोडविन ऑस्टिन, क्या बोलते हैं, गोडविन ऑस्टिन, माउंट K2 को ही क्या बोलते हैं, गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। और जो लोकल लोग हैं इस एरिया के वो लोग इसको बोलते हैं कागीर, वो लोग इसको क्या बोलते हैं, कागीर। और अगर आप एट प्रेजेंट बात करोगे, जो हमारा नया जो यूनियन टेरिटरी बना है ना, ये उसमें आएगा, अगर हम लोग बात करें, ये हमको देखने को मिलेगा हमारे लद्दाख में। अगर हम लोग न्यू मैप की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दैट है ना, दिस हिल इज नॉट प्रेजेंट इन जम्मू कश्मीर, है ना, ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। हालांकि ये वाला जो पोर्शन है किसके कब्जे में है, तो आप आंसर बता सकते हो भाई, पाकिस्तान के कब्जे में, किसके कब्जे में, माउंट माउंट K2 पाकिस्तान के। माउंट K2 के और दूसरे नाम क्या है, गोडविन ऑस्टिन, क्योंकि इस बंदे ने ही खोजा था इसको। माउंट K2 का एक और नाम क्या है, गोडविन ऑस्टिन। और अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, गोडविन ऑस्टिन, तो गोडविन ऑस्टिन का ही लोकल नेम क्या है, कागिर। तो कागिर कहूं, माउंट K2 कहूं, या फिर गोडविन ऑस्टिन कहूं, ऑल आर सेम, और दिस इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये पॉइंट नहीं छोड़ना है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, आई होप ये वाला पॉइंट सारे बच्चों का क्लियर है। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, अभी हम कुछ छोड़ने वाले नहीं है भाई, एक एक चीज पे बात करेंगे। ये है यहाँ पे हमारा, ये है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे बता सकता है कोई, तो यहाँ पर है दोस्तों एक बहुत ही फेमस ग्लेशियर, इसका नाम क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, क्या नाम है, सियाचिन ग्लेशियर। और इसको मैं और आपको मेन मैप में भी दिखाऊंगा, ये रहा यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, क्या है दोस्तों यहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर। अब वापस आओ, अब सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बात करेंगे, अगले पॉइंट बात करते हैं इस पे, जो अगले पॉइंट है इस पे उसके ऊपर बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे काराकोरम कंटिन्यू है और हमारी बातचीत भी कंटिन्यू है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है, कि इसी एरिया में आपको मिलेगा क्या,
ग्लेशियर, क्या मिलेगा? सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर की अगर मैं लेंथ की बात करूं, अगर मैं लंबाई की बात करूं, तो ये लेंथ इसकी कितनी है? 76 किलोमीटर। और इसके बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो क्या है? वो स्टार है, वो स्टार है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आप जानते हो ये क्या है? हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची ऊंचा युद्ध स्थल, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्या है भाई? हाईएस्ट की स्पेलिंग गलत है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ वर्ल्ड, हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ वर्ल्ड, अब करेक्ट है, वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। इसी ग्लेशियर के रीजन में एक रिवर फ्लो होती है, एक रिवर फ्लो होती है, और उस रिवर का नाम आपने याद रखना है। उस रिवर का नाम है नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो सियाचिन का ग्लेशियर है उस रीजन में कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो आपको याद रखना है नुब्रा। और अगर क्वेश्चन वो चेंज करना चाहा तो बोल देगा कि सियाचिन ग्लेशियर के आसपास आपको देखने को मिलती है क्या? नुब्रा वैली। क्या देखने को मिलती है? नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया कि इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, तो भी आंसर क्या बता दोगे? तो भी आंसर क्या बता दोगे भाई? यही सियाचिन। ठीक है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर मैं बात करूंगा भाई, वो तो आपको अंटार्कटिका में मिलेगा। ठीक है ना, जो अपन अंटार्कटिका पढ़ेंगे तो अपन बात कर लेंगे। पर अगर मैं इंडिया का बात करूं, तो इंडिया में सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है, इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है, और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, डन। अब मुझे आप लोग बता दो यार कि इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? इन सब बातों में किसी को कोई दिक्कत है क्या, जो मैं अभी तक पूछ रहा हूं? ग्लेशियर क्या होता है थोड़ा सा भी बता दूंगा। बैटल फील्ड का मतलब होता है क्या? ये देखो, ये समझो सियाचिन ग्लेशियर है, ये देखो ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, एक तरफ यहां पे खड़ी हुई है पाकिस्तान आर्मी, एक तरफ यहां पे खड़ी हुई है क्या? पाकिस्तान आर्मी। और दूसरी तरफ खड़ी हुई है इंडियन आर्मी। तो ये लोग बैटल फील्ड हुआ ना, तो सियाचिन क्या हुआ? बैटल फील्ड हुआ, मतलब जहां पर क्या है भाई, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, लड़ाई की संभावना बन जाती है, तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? बैटल फील्ड। आई होप रोहित आपको समझ में आ गया होगा, डन है ना। जहां पे युद्ध हो सकता है, जहां पे युद्ध हो सकता है, जहां पे बैटल हो सकती है, ठीक है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? बैटल फील्ड बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा तो मैं आगे चलूं, क्लियर हो जाएगा तो मैं आगे चलूं। और अभी ग्लेशियर क्या होता है मैं बता दूंगा, थोड़ा सा रुक जाना। अभी आप ग्लेशियर बस ऐसा समझ लो कि जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टाने, इसने क्वेश्चन पूछा था, वो आप क्या समझ लेना कि बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टाने। हाँ, मैं आपके डाउट देखता पा रहा हूँ। लड़ाई होती है जब पाक द्वारा। हाँ ज्योतिराज, बिल्कुल सही बात है। सियाचिन सी लेवल का कितने ऊंचाई पर है भाई? बात करेंगे, ठीक है ना, आ रहा हूँ उस पर। ठीक है, डिड एनीवन स्केल K2? तभी तो मैंने K2 की हाइट बताई है 8.6, है ना श्री तेजा जी। और मैंने आपको बताया था कि गोडविन ऑस्टिन ने इसके बारे में बात किया था, बहुत सारे लोगों ने इस पर चढ़ाई की, बिल्कुल की है। हाँ, यहीं इसी रीजन में आपको बात करें तो टेम्परेचर निगेटिव मिलता है, यहाँ पर टेम्परेचर निगेटिव मिलता है ना। चले बात करते हैं इसके बारे में। ठीक, हाँ चलो, अब हम लोग अगली बात करेंगे, अगली बात करेंगे। और अगली बात करने के लिए वापस आओ। हाँ, ये वाले की बात करेंगे, ये 2 वाले पे बात करेंगे। अब इसके ऊपर बात करेंगे, ये लद्दाख है। और फिर 3 वाले पे बात करेंगे, ये है जस्कर। ठीक है, और यहां पर भी मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं, ये क्या है? लद्दाख रेंज देख रहे हो, ठीक। और ये वाली रेंज कौन सी है? जस्कर। ये वाली रेंज कौन सी है? जस्कर। ये जस्कर, और ये कौन सी है? लद्दाख। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। आओ, हाँ सेकंड सेकंड, हाइट 8.6 किलोमीटर मैंने आपको बता दी है भाई। किसकी हाइट? K2 की, ठीक ना। वैसे अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो है 8611 मीटर,
K2 की हाइट कितनी है? 8611 मीटर। पर यार हाइट आपको याद नहीं रखना, दैट्स व्हाई मैंने क्या बोल दिया, 8.6 किलोमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा, चलें आगे। हाँ जी, 8611 मीटर है जिसको मैंने क्या लिख दिया, 8.6 किलोमीटर, 8.6 किलोमीटर हाइट। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है आपको, ये किसकी हाइट है, ये है K2 की हाइट, ये आप देख सकते हो, ये किसकी हाइट है, K2 की हाइट है, यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलते हैं, आइए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वाला जो रीजन है वो है लद्दाख, सेकंड वाला जो रेंज है उसका नाम क्या है, लद्दाख रेंज। ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये वाले, और इसमें से वो पढ़ लेंगे हम लोग जो आपके काम के हैं, ठीक है ना। लद्दाख रेंज, इससे ज्यादा मत पढ़ना, आपके किसी काम का नहीं होगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लेना, आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब आ जाओ, किसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, लद्दाख रेंज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने अभी तक सिर्फ किस चीज के बारे में बात की आप लोगों से, तो यार मैंने अब तक बात कर ली है किसके बारे में आप लोगों से, काराकोरम के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे लद्दाख। ठीक है, के टू फुल फॉर्म एक्चुअली शिवम सिंह, अगर बात करूं के टू निकला है काराकोरम, कारा में भी के है, कोरम में भी के है, और यहीं से उसको बोल दिया गया के टू। कारा में भी के है, कोरम में भी के है, तो यहीं से निकल गया के टू, क्योंकि तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि काराकोरम रेंज जो है ना, हाईएस्ट पीक ऑफ काराकोरम रेंज, तो वही क्या है, के टू। हाँ पर आप लोगों से मैं यही बोलूंगा कि उसको के टू ही पढ़ना, के टू ही पढ़ना, के टू ही पढ़ना, ठीक है, क्योंकि उसको के टू के नाम से ही जाना जाता है। आ जाओ बात कर लेते हैं अब इसके बारे में, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज। देखो लद्दाख रेंज के बारे में अगर दोस्तों बात करूं कि इस एरिया में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो हम लोग को क्या मिलता है, कोल्ड डेजर्ट मिलता है, क्योंकि हाइट ज्यादा है बहुत, और इस ऊंचाई तक अगर मैं बात करूं, कोल्ड डेजर्ट मिलता है, यानी कि ठंडा मरुस्थल मिलता है। कोल्ड डेजर्ट को अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ठंडा मरुस्थल मिलता है। ठंडा मरुस्थल क्यों, देखो मरुस्थल या फिर डेजर्ट क्या होता है, अगर किसी एरिया की एवरेज हाइट, सॉरी एवरेज हाइट नहीं, एवरेज रेनफॉल, अगर किसी एरिया की जो एवरेज रेनफॉल होती है ना, वो क्या हो, वो बिलो 25 सेंटीमीटर हो, वो बिलो 25 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे एरिया को अपन लोग क्या बोलते हैं, डेजर्ट। ऐसे एरिया को अपन लोग क्या बोलते हैं, डेजर्ट। ठीक है, अगर किसी एरिया की अगर मैं बात करूं, रेनफॉल बिलो 25 सेंटीमीटर हो, तो ऐसे एरिया को अपन लोग क्या बोलते हैं, डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल। ठीक है, इंडिया की एवरेज रेनफॉल है 120 सेंटीमीटर, क्लाइमेट में पढ़ाऊंगा आगे जाकर के। ठीक है, अब देखो तो काफी ऊंचाई पर है, और अगर मैं बात करूं किसके बारे में, इस रेंज के बारे में, तो यहाँ पे आपको याद रखना ये पूरा का पूरा प्लेट्यू जैसा स्ट्रक्चर भी है, और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, और मैंने आपको जब पेनिनसुलर इंडिया पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, तो आंसर मैंने क्या बताया था, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या था, डेक्कन प्लेट्यू। आई होप आप बच्चों को याद होगा, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ, हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या, लद्दाख, और लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू। डन, नेक्स्ट बात पे अगर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात पे अगर हम लोग आते हैं, देखो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो रेनफॉल है, जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम है, बिलो 25 सेंटीमीटर। कमेंट में आपके देख पा रहा हूँ, ठीक है, कुछ हो तो बता देना। हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख, हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख, आंसर हो जाएगा स्टॉक कांगरी। आंसर क्या हो जाएगा, स्टॉक कांगरी।
कांगरी, टॉक कांगरी हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख, आंसर हो जाएगा स्टॉक कांगरी। और इसकी हाइट की बात करूँ तो नियर अबाउट 6.1 किलोमीटर है, पर दोस्तों मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये जो हाइट है ये आपके काम की नहीं है, तो इसमें तो सिर्फ आप नेम याद रख लेना आपके लिए बहुत है। स्टॉक कांगरी जो है वो हाईएस्ट पीक है कहाँ की, लद्दाख रेंज की, और लद्दाख रेंज कहाँ है मैंने अभी आपको दिखा दिया है, अभी मैंने मैप में अभी आपको दिखा दिया। अब बस मैं इसके जो पॉइंट है वही समराइज कर रहा हूँ, वही समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक कांगरी। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रेंज की तरफ। थर्ड वाली रेंज कौन सी है? जस्कर। थर्ड रेंज कौन सी है? जस्कर। इसको मैंने मैप में दिखा दिया है ना, हाँ इसको मैंने मैप में दिखा दिया, बट एक बार और दिखाऊंगा ताकि आप लोग के मन में बच जाए, ठीक है। आ जाओ, ये देखो ये है जस्कर, ये वाली। और अगर मैं इसको बात करूं और अच्छे से दिखा देखना है तो ये दिखा देता हूँ यहाँ, ये रही हमारी रेंज, ये देखो ये रही जस्कर, ये रेंज, ये है जस्कर। हाँ जी दोस्तों, अगर मैं जस्कर के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, जस्कर के बारे में, देखो इसके इसमें काम की क्या क्या बातें हैं इसको समझना आप लोग, सारे पॉइंट्स नहीं बताऊंगा जो आपके काम के नहीं हो, कहते ही नहीं, फालतू में आप परेशान हो गए और कुछ नहीं। हाँ अगर दोस्तों मैं बात करूँ जस्कर के बारे में, तो हाईएस्ट रेंज ऑफ, हाईएस्ट पीक ऑफ जस्कर, हाईएस्ट पीक ऑफ जस्कर, तो अगर हम लोग बात करें जस्कर के बारे में तो इसका आंसर हो जाएगा कामेत, कामेत पीक, इसका आंसर हो जाएगा कामेत पीक। और ये आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, यानी कि जो जस्कर रेंज है वो लद्दाख से होती हुई आपको कहाँ जाएगी, उत्तराखंड में जाएगी। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है जो अभी मैंने आपको दिखाई वो कहाँ पर है, वो है कामेत पीक। हाईएस्ट पीक क्या है? कामेत पीक, ठीक है। और मैंने आपको रेंज आपको यहाँ पर भी मैप में दिखाया है, देखो ध्यान से, ये रही हमारी है ना, ये वाली जो थर्ड वाला आप जो देख रहे हो ये, यही क्या है हमारा जस्कर। और ये देखो मैंने यहाँ पर यार आपको, अब आप ये मत बोलना सर बार बार क्यों दिखा रहे हो, बेटा इतने बार दिखा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको अंदाजा लग जाए, ये है जस्कर। ये देखो ये उत्तराखंड तक एक्सटेंडेड है, लद्दाख से लेकर के है ना पूरा का पूरा ये उत्तराखंड तक एक्सटेंडेड है। आपको बताऊँ इसी रेंज के नीचे अगर आप बात करेंगे तो पूरा कश्मीर है, इसी रेंज के नीचे पूरा कश्मीर है, अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में, ये पॉइंट भी आता है एक्चुअली एग्जाम में, ये पॉइंट भी एग्जाम में आता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी अब बढ़ेंगे आगे, किसी को जो पढ़ा रहा हो ना उस चीज में कोई दिक्कत हो तो मुझे तुरंत बता देना, ठीक है, जो चीजें पढ़ा रहा हूँ उसमें किसी को दिक्कत हो। हाँ उस पे आ रहे हैं, आ रहे हैं, जितने जो थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आ रहे हैं उस पे भी। हाँ जी अब इस पे हम लोग जस्कर पे हमारी वापसी हो चुकी है। और अब अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर हमको दो तीन बातें जो याद रखनी है, एक तो बस याद रखो हाईएस्ट पीक है ये, दूसरी क्या याद रखो कुछ नोट पॉइंट, पॉइंट वन, जैसे कि जो कश्मीर है, जो कश्मीर है वो कहाँ पर है, वो है साउथ ऑफ जस्कर, वो क्या है साउथ ऑफ जस्कर। इसको आप और अच्छे से ऐसे समझो, सपोज करो ये जस्कर की पहाड़ी है, ठीक है, तो इसके ठीक नीचे जाओगे यानी कि साउथ डायरेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कश्मीर, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कश्मीर। बात समझ में आ रही है? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ रही होगी कि जैसी आप, ये क्या है, ये मैंने अभी बताया ये है लद्दाख, ठीक, लद्दाख से अगर आप नीचे जाओ यानी कि साउथ डायरेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पर मिलती है कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी, तो बार बार आप न्यूज में देखते हो कश्मीर घाटी है ना, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कश्मीर कहाँ पर है, साउथ ऑफ जस्कर। समझ में आ रहा हो तो बताइए कश्मीर कहाँ पर है, साउथ ऑफ जस्कर।
एवरीवन। ओके भाई, श्रीतेजा, सनी, रोहित, अब वापस आओ। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको मैं मैप में ही बताना चाहूँगा। कलर कौन सा यूज़ करूँ? वाइट बेस्ट है। अगर हम लोग बात करें, एक रिवर है, ये देखो, ये रिवर एक फ्लो हो रही है। ये एक रिवर है, ये देखो, ये इधर जा रही है। ये रिवर है, और इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है इंडस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोलते हैं? सिंधु। तो बेसिकली है क्या, ये देखो, ये है लद्दाख रेंज, ये है लद्दाख रेंज, और ये वाली रेंज जो है, ये क्या है? जस्कर। ठीक है, जस्कर। और लद्दाख और जस्कर के बीच में से एक रिवर फ्लो होती है, जिसका नाम क्या है? इंडस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। लद्दाख और जस्कर के बीच में जो नदी फ्लो हो रही है, उसका नाम क्या है? इंडस, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु। क्या बोलते हैं? सिंधु। और यही पॉइंट अब मैं वहां पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं एक हल्का सा एक मैप के थ्रू बता देता हूँ। यहाँ पे वो हो जाएगा, वहां लिख देता हूँ एक अलग से पॉइंट। देखो, ये है लद्दाख रेंज और ये है रेंज जस्कर, ये है रेंज जस्कर, और इन दोनों के बीच में से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है एक रिवर का नाम क्या? इंडस। और इसी को आप हिंदी में क्या बोलते हो? सिंधु। और अगर जस्कर वाली रेंज से आप कौन से डायरेक्शन में जाओगे? साउथ। तो यहाँ पर आपको मिलेगी कश्मीर वैली, यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? कश्मीर वैली। ठीक है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा? कश्मीर वैली। हाँ जी, वो मैं रिवर सिस्टम एक बार दूसरी बार पढ़ाऊंगा, क्योंकि याद है जब मैंने एक बार कराया था एक रिवर, तो श्री तेजा शायद आपने बोला था कि सर मैप भी दिखा दीजिएगा, तो मैं उसको इस बार मैप के थ्रू कराऊंगा, तो आप लोग को ज्यादा मजा आ जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ, ये सही है? हाँ जी विश्वदीप जी, बिल्कुल सही बात है। तीन इंडिया के पास कौन सी? रावी, ब्यास, सतलुज और झेलम, इंडस, चेनाब। ये किसके पास है? पाकिस्तान के पास। तो यार यहां पर हमारा एक पोर्शन खत्म हो रहा है, यहां पर हमारा एक पोर्शन खत्म हो रहा है, वो कौन सा है? ट्रांस हिमालयास, है ना। हम लोगों ने कौन सा खत्म कर लिया? ट्रांस हिमालयास। मतलब कि क्या समझ पाए हम लोगों ने ये वाला खत्म कर लिया। कौन सा? अगर मैं बात करूं, ये ए, जो ए है जिसको मैंने ट्रांस हिमालय पढ़ा था, ये था काराकोरम, ये था लद्दाख और ये था जस्कर। हाँ जी, तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर क्लियर हो गया है, ए क्लियर हो गया, जिसको अपन ट्रांस हिमालय बोलते थे। और अब हम इस थ्री रेंजेस की तरफ चलेंगे, तीन रेंजेस की तरफ चलेंगे, यानी हम बी की तरफ चलेंगे। और बी क्या है दोस्तों? हिमालय। बी क्या है? हिमालय। चलिए मूव करते हैं बी की तरफ और आगे बढ़ते हैं। कोशिश करूंगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट वो कराऊं जो आपको समझ में भी आए और आपके काम का। मोस्टली तो यही मेरा फोकस है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, यही फोकस कर लिया है पूरी तरीके से। चलो अब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ सारे के सारे बच्चे। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, हाइट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? हाइट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? क्या आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि हाइट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? हाँ जी आकाश, हाँ जी रेखा जी, आकाश, विश्वजीत, सौविक, सनी, एवरीवन। हाइट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है? तो हाइट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हो, क्या होगा? तो टेम्परेचर में कमी आएगी कितना? 6.5 डिग्री सेल्सियस। 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर में कितनी कमी आएगी? 6.5 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, हाँ जी। तो ये यहाँ पे देखो ऐसा हो जाएगा, ये
हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता बताओ आप, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? हाइट जो है वो टेम्परेचर के कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली, ठीक है ना? नहीं बेटा, ये एग्जैक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, हनी, रोहित, सुरेश, इनवर्स होता है, जितनी ज्यादा हाइट उतना कम टेम्परेचर, जैसा कि मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूँ। ओके चल, नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, होता है, वो कोई दिक्कत नहीं, बस एग्जाम में सही करके आना है। चल अब एक बात और बताना है, अब एक बात मुझे वो बतानी है जो आप लोगों को ग्लेशियर से रिलेटेड, जो आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे ना, उसकी तरफ जाएंगे अपन लोग, उसकी तरफ जाएंगे। अब देखो, तीन रेंजेस हिमालय की हमको पढ़नी, कितनी रेंजेस? तीन। कितनी रेंजेस पढ़नी बताओ? तीन रेंजेस। यार एक बात बताओ, कितने लोग मेरे सेशन को शेयर करते हो? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आज सेशन को कितने लोग शेयर करते हो? मैं चाहता हूँ यार कि सेशन को आप लोग शेयर करो, इतना तो यार कर ही सकते हो आप ना। ये तीन रेंजेस में बना रहा हूँ हिमालय की, ध्यान से देखना बेटा, तीन रेंजेस हैं ये हिमालय की, वही जो अभी मैंने आपको पढ़ाई थी। अभी मैं नाम लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? अभी मैं सबका नाम लूंगा, ठीक है? सबका एक एक करके मैं नाम लेने वाला हूँ। ये तीन रेंजेस कौन कौन से, अभी मैं सब पढ़ाऊंगा। अभी बस मैं ग्लेशियर के बारे में थोड़ी सी बात करने जा रहा हूँ। थोड़ी सी बात किसके बारे में करेंगे? ग्लेशियर के बारे में करेंगे, और इनके नाम भी मैं आपको पूरे के पूरे बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसकी बात करूं तो ये हाइट है लगभग 6 किलोमीटर, ये हाइट है नियर अबाउट 4 किलोमीटर, ठीक है? और ये हाइट है नियर अबाउट ये आपका लगभग 600 से 1500 किलोमीटर एवरेज है, इसको सपोज कर लो ये 1 किलोमीटर, ठीक है? ये है वन। हम लोग बेसिकली पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं बी, और उस बी में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। ये वन, ये है टू, और ये थ्री। मैं एक एक बताया हूँ, ये पूरी की पूरी रेंज है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, पर पहले मैं ग्लेशियर वाला पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखना सारे, दिस इज वन, पूरी लंबी फैली हुई वन, पर मैंने इसको ऐसा डायग्राम ले लिया है, दिस इज टू एंड दैट वन इज थ्री, ठीक? यहाँ आ जाओ, वन टू, देखो कितनी लंबी रेंज है, रेंज है ना ये पूरी, और ये रेंज है थ्री। अब जिसको मैंने वन दिया ना, इसकी एवरेज हाइट है, मतलब ये यहां से लेकर के ये पूरा आखिरी तक जब जाएगी तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है? तो इसकी एवरेज हाइट है, इसकी एवरेज हाइट की अगर मैं बात करूं तो 6 किलोमीटर, इसलिए मैंने वहां पर 6 लिखा। ध्यान देना, ये देखो ये क्या है दोस्तों, मैं इसकी बता देता हूँ। देखो एक काम करो, इसको ऐसे पढ़ लो, ये वाला दिख रहा है आप सबको, ये वाला रेंज अभी जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये पूरी की पूरी रेंज है तो इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6 किलोमीटर। एवरेज हाइट का मतलब क्या है समझो, तो ऐसे समझो ये रेंज है पूरी, ये पूरी रेंज है, ठीक है? पर इन सबका एवरेज आप लोगे, इन सबका एवरेज आप लोगे तो इसका रेंज क्या आ रहा है? 6 किलोमीटर। तो ये पहली वाली जो रेंज है ना, इसकी एवरेज हाइट है 6 किलोमीटर, ठीक है? दूसरी वाली जो रेंज है, ये वाली, इसकी एवरेज हाइट है 4 किलोमीटर, और ये थर्ड वाला जिसको अपन शिवालिक बोलते हैं, इसकी एवरेज हाइट लगभग 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर। और इसीलिए मैंने इन तीनों का ले लिया है, इसीलिए मैंने इन तीनों का जो हाइट है वो वहां पर ले लिया है, और उसी के थ्रू मैं आपको ये चीजें सारी की सारी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? यार सबसे पहले बताओ सेशन कैसा है, ये समझ में आ रही क्या बातें? अगर आ रही है तो मुझे कमेंट पे बताओ, हाँ सर ये सब समझ में आ रहा है क्या, ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं अभी कमेंट देख रहा हूं,
जी, तो ये हाइट ज्यादा है। अब एक बात हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया रोहित, आकाश, ज्योति, विशाल, मीनू, सुभाषिश, ओके डन। अब देखो इसकी हाइट ज्यादा है कि नहीं है, एवरेज हाइट। इसकी हाइट थोड़ी कम, इसकी हाइट सबसे कम, ठीक। जितनी ज्यादा हाइट पे जाओगे क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा और ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती रहती हैं ये उसको रोकता जाएगा, रोकता जाएगा, रोकता जाएगा, और अगर रोकता जाएगा तो धीरे धीरे यहां पर पूरा का पूरा बर्फ जम जाएगा। नरेश, ओके भाई, थैंक यू नरेश। हनी, थैंक यू यार। विवेक, थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। रेखा, अर्जुन, सौविक, वैभव, विपिन, एवरीवन भाई, हनी, आकाश, एवरीवन, शिवम, राठौर, है ना भाई, एवरीवन, हनी, हर्ष, सुभाषिश, एवरीवन। ठीक है भाई, शेयर करते रहना बस आप लोग, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है, कमेंट देख करके मोटिवेशन बढ़ता है, ये बस याद रखना। हाँ तो देखो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी की चीज़ें होंगी, और जब ठंडी चीज़ें होंगी, जब ठंडी हवा ऊपर आएगी तो यहीं पर जमने लगेगी, और वहीं से यहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ की चट्टान बन जाएगी, और यही बर्फ की चट्टान क्या कहलाती है, ग्लेशियर, क्या कहलाती है, ग्लेशियर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, थैंक यू भाई एवरीवन, ठीक है ना, करना है आप लोगों को, ओके सुभाषिश, ठीक है। हाँ जी, मेरी बातों को ध्यान से देखो, जैसे जैसे ऊपर जाओगे यहाँ पे पूरा का पूरा बर्फ जम जाता है, क्या जम जाता है, बर्फ जम जाता है, इसी बर्फ की चट्टान को बोलते हैं ग्लेशियर, और यही ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो इनसे क्या निकलती, नदी। अब यहाँ पर भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी आपको ग्लेशियर मिलेगा, बट यहाँ पे ग्लेशियर कम मिलेगा, और इस साइड पे तो यार ग्लेशियर मिलेगा ही नहीं मिलेगा, इस साइड पे ग्लेशियर नहीं मिलता, इस साइड पे ग्लेशियर भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और गंगोत्री, यमुनोत्री, समझ पा रहे हो, मिलान, पिंडारी, सब इसी पे तो है। और कल मैंने आप टेलीग्राम चैनल जो था हमारा, है ना, उस पर मैंने क्या भेजा था, एक वीडियो भेजा था, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का एक वीडियो, कितने लोगों ने देखा मुझे सबसे पहले कमेंट में बताओ। अगर लोगों ने देखा होगा तो वहां पे बर्फ तक जमता हुआ दिखाया है, और इसीलिए मैंने आपको वहां पर वो वीडियो भेजा था। अब मुझे कमेंट में बताओ कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा था। ये है ग्लेशियर, ये है ग्लेशियर, दिस इज ग्लेशियर। इसमें ग्लेशियर ना के बराबर, ना के बराबर, बहुत कम, बहुत हल्के, ठीक। और यहां पर तो मिलते हैं फॉरेस्ट, यहां पर तो आपको क्या मिलेंगे, फॉरेस्ट, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू एवरीवन, ठीक है ना। अरे नहीं, टीचिंग नहीं छोड़ूंगा भाई, ये मुझे मजा भी आता है क्योंकि इसमें। हाँ तो मुझे आप लोग बताओ, यहाँ वाली पॉइंट सबको समझ में आ रही है कि क्यों यहाँ पे ग्लेशियर है, क्यों यहाँ पे बर्फ की चट्टान है। कमेंट देखता हूँ तो अच्छा लगता है भाई, वो इंस्पायरिंग होता है मेरे लिए, वो मोटिवेशन का काम करता है, तो आप लोग जो कर रहे हो ना मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे ये बता दो अभी सबसे पहले, हाँ जी आकाश, आरजू, वेरी गुड, सुपर, सुभाषिश, सबको देखना है, सुरेश, मीनू, नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, जिन लोग नहीं देखा उन सबको पाप पड़ेगा, बता रहा हूँ आपको, जा करके देखना है वो, इसलिए तो मैंने डाला था, पूरा एनिमेशन है, और उससे जो कल की क्लास है ना वो पूरी एकदम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके सुभाषिश, हनी, हाँ देखा बिल्कुल यार, उस ग्रुप में मैं जो कुछ भी डालता हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ग्रुप को कभी म्यूट मत करना, उसमें एक भी कचरा का चीज नहीं डाली जाती, उसमें वही डाला जाता है जो बिल्कुल यूजफुल हो, ठीक है ना। अरे नहीं भाई शिवम, मैं खुद सीख रहा हूँ यार, ठीक है ना, मैं सबसे ज्यादा सीखने की कोशिश करता हूँ सब्जेक्ट। हाँ जी विपिन, जा करके आज देखिएगा, सनी, ओके, सागर, ओके भाई, आप सबको देखना है भाई जा करके वो वीडियो, अगर मैंने कुछ डाला है तो समझ लेना वो करना ही करना है। हाँ जी साक्षी, बिल्कुल पाप पड़ेगा। सबसे कूलेस्ट प्लेस अगर बात कर रहे हो तो वो है द्रास, कारगिल में, पढ़ाऊंगा मीनू कुमारी जी, अभी क्लाइमेट तो आने दो, सबका हिसाब होगा, मैं बोलता हूँ ना, बड़ा पाप लगेगा सबको जो जो नहीं देखेगा। हाँ जिन्होंने देखा वेरी गुड, चलो इसको देखना है जा करके, आपको कल वाला क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कर देगा वो, ठीक है, इसलिए डाला था। हाँ जी, जब इंडिया जुड़ा तो हिमालय बन गया, और ऐसी हिमालय से, इसी हिमालय से क्या निकलेंगी, ग्लेशियर से नदियां, और यही नदियां बनाएंगी प्लेन यानी कि मैदान।
हाँ नहीं आपको नहीं बोला हूँ, हाँ जिन लोगों ने देखा वेरी गुड, साक्षी रोहित सब वेरी गुड, मीनू रेखा। हाँ बेटा अगर मैं आपको बात करूँ तो अंटार्कटिका के बाद दूसरी वो जगह जहां पे सबसे ज्यादा बर्फ जमी हुई है वो कोई और नहीं है, वो यही है ग्रेटर हिमालय। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब, सबका टाइम आएगा ठीक है। चलो अब हम लोग एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। हम लोगों ने हेडिंग तो डाल ली है क्या, बी है ना, हेडिंग तो डाल ली बी, और ये है बी का वन, ये है बी का टू, और ये है बी का थ्री, और ये पूरी रेंजेस मैंने आपको मैप में भी शो कर दी। अब मैं इनके नाम लिखूंगा और एक एक करके आपको बताऊंगा। चलो चलो फर्स्ट वन, फर्स्ट वन ग्रेटर हिमालयास, फर्स्ट वन जिन लोगों ने देखा है वेरी गुड, है ना, वो देखना जरूरी था, ग्रेटर हिमालय। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे, बृहद हिमालय। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोलेंगे, बृहद हिमालय, ठीक है, क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा। उसके बाद इसी का एक और नाम है हिमाद्री, एक और नाम क्या है हिमाद्री, इसी का एक और नाम क्या है हिमाद्री, ठीक है, इसी का एक और नाम क्या है हिमाद्री। पर एक इसको पढ़ाने से पहले यार मुझे एक पॉइंट और आपको कराना पड़ेगा, वहां पहले चलते हैं, रुक जाओ, इस पॉइंट को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले एक पॉइंट मैं आपको बताना बता देता हूँ, उससे क्या है थोड़ी हेल्प मिलेगी, पहले उस पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखो ध्यान से। हाँ उस पर चलते हैं अपन लोग, उधर चलते हैं अपन लोग, पर उसके पहले हम लोग थोड़ी सी बातें और देखेंगे। अभी मैंने ये तीन रेंजेस आपको पढ़ाई थी, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और ये आउटर हिमालय, तीन रेंजेस। अब इसमें मुझे आपको कुछ कुछ बातें समझानी है, वो आप लोग को ध्यान से देनी है। ये एक रिवर फ्लो हो रही है और इस रिवर का नाम है इंडस, हिंदी में आप इसको बोलते हो सिंधु, ठीक। ये क्या है, ये रेंज है, ये रेंज वन, रेंज टू, रेंज थ्री, ये याद रखना ठीक है, ध्यान देना, मैं जो कुछ भी बना रहा हूँ इसका इसके पीछे कोई रीजन होगा। ये एक रिवर फ्लो होती है, इसका नाम क्या है सतलुज, ध्यान रखना है भाई, ये सब कुछ काम आएगा आपके। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर एक रिवर फ्लो हो रही है और इसका नाम क्या है, काली या फिर शारदा, ठीक है। ये एक रिवर है, अगर हम लोग बात करें तो टिस्टा, क्या नाम है टिस्टा, और ये वाली जो रिवर है इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, क्या नाम है ब्रह्मपुत्रा, नाम क्या है ब्रह्मपुत्रा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये पूरी की पूरी रेंजेस हैं और इनके अलग अलग नाम हैं। इसको अपन लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक। इस वाले को अपन लोग बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। आप लोग बस ध्यान से सुनो, मैं आपको बताऊंगा अभी क्या है ये क्यों कर रहा हूं, मैं सब बताऊंगा ठीक। इस वाले को अपन लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है, और इस वाले को अपन लोग बोलते हैं आसाम हिमालय, क्या बोलते हैं आसाम हिमालय। इसका मतलब क्या है सुनो ध्यान से, ये पूरा रीजन दोस्तों, ये पूरा का पूरा रीजन, ये पूरा यहां पर जो रेंजेस हैं चाहे वो ग्रेटर हिमालय की हो, चाहे मिडिल वाले की हो, चाहे आउटर की हो, ये कहलाती पंजाब हिमालय, यहां पे ये कहलाती कुमाऊं हिमालय, ये वाली कहलाती नेपाल हिमालय, और ये वाली कहलाती है आसाम हिमालय, क्या कहलाती है आसाम हिमालय, और इसको रिवर से डिवाइड किया गया है। अब यहां पे क्या क्या है ये समझो, यहां पर क्या क्या है ये समझो, यहां पर पंजाब हिमालय में जो स्टेट आता है वो कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर प्लस हिमाचल प्रदेश आता है। इस वाले रीजन में कौन सा स्टेट आता है हमारा, उत्तराखंड, यहां पर तो एक कंट्री आती है दोस्तों जिसका नाम क्या है नेपाल, क्या नाम है नेपाल, और यहां पर जो आएगा वो क्या है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ असम आप बोल सकते हो ठीक है,
और इसी को अपन लोग क्या बोल देते हैं, आसाम हिमालय। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आएगा उसको करेक्ट कराने के लिए। अब देखो क्या है, अगर दोस्तों मैं बात करूँ कहाँ से कहाँ तक, ये पूरा रेंज ले लो आप, कहाँ से कहाँ तक, ये इंडस रिवर से लेकर के, तो मैं यहाँ पे जगह नहीं है ठीक है, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक पूरा ये फैला हुआ है हिमालय टोटल 2400 किलोमीटर में। कितने फैला हुआ है? 2400 किलोमीटर में। आप लोगों कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बता देना, 2400 किलोमीटर में। आकाश गुप्ता, मैंने थोड़ी देर पहले जब क्लास स्टार्ट की थी तो आपको दिखाया था कि कैलाश मानसरोवर कहाँ पर है, तिब्बत में। और तिब्बत कहाँ मिलेगा भाई, आपको मैंने बताया था भाई, उत्तराखंड के ठीक उधर उस साइड। ये देखो भाई, सबको टाइम पे आना है भाई, है ना, ये मैंने दिखाया था कैलाश मानसरोवर की आप बात कर रहे हो। ये देखो ये है, ये रही कैलाश रेंज, और यहीं पर क्या है, कैलाश मानसरोवर लेक, और यहीं से रिवर भी आ रही है। आई होप यार ये बात क्लियर हो गई होगी तिब्बत में, ठीक है। चले आगे, कैलाश मानसरोवर तिब्बत में। हाँ जी, तो टोटल इसकी लेंथ कितनी, 2400 किलोमीटर। क्या लेंथ है? 2400 किलोमीटर। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि ये वाली जो लेंथ है ये इतनी, ये है 560 किलोमीटर ठीक, ये वाली आपको मिलेगी 320 किलोमीटर। याद रखना है, नहीं है सब, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ये है 800 किलोमीटर और ये है नियर अबाउट 720। अगर आप इन चारों का सम कर दो, 560 प्लस 320 प्लस 800 प्लस 720, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2400 किलोमीटर। क्या मिलेगा? 2400 किलोमीटर। अब ये सब कुछ मैंने क्यों बताया, सिर्फ एक काम से, वो ये है, आपसे पूछेगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्गेस्ट हिमालय, सबसे लंबे हिमालय, तो आपको बता देता हूं आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन लगाओ, ये क्वेश्चन दिखेगा आपको, और इसको मैं यहाँ पे प्रूफ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया आपको। अब आप बताओ, इसको पूरा मैंने जो डिवाइड किया, देखो पंजाब हिमालय 560, ये कितना है 320, नेपाल कितना है 800 में फैला हुआ है, ये कितने में फैला हुआ है 720। बोलो बोलो बोलो, आया समझ में? एवरीवन, आई नीड योर अटेंशन गाइस, ठीक है ना। नेपाल हिमालय क्लियर कट विनर है, कौन? नेपाल, कोई नहीं है ना इसके टक्कर में, कोई नहीं है भाई, दूर दूर तक कोई नहीं, सबका टाइम आ ही रहा है धीरे धीरे, क्लियर है? हाँ जी। तो देखो यार, मैंने इसको डायग्राम से बताया है और कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये भी बताया। अभी बात यहाँ शुरू हुई है, अभी तो अभी खत्म होने में समय लगेगा भाई। एक और पॉइंट मेरे ऊपर क्रेडिट रहा, ये मैं आगे प्रूफ कर दूंगा, नेपाल हिमालय ना सिर्फ लॉन्गेस्ट हिमालय है एज वेल एज दे आर हाइएस्ट टू, ये हाइएस्ट हिमालय भी हैं। और इसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों कैसे, तो देखो यहीं पर आपको माउंट एवरेस्ट जैसी चीज भी मिलती है, मतलब जो सबसे ऊंचे हिमालय हैं वो भी कहां पर है, नेपाल में ही। सबसे ऊंचे कहां पर है? नेपाल में ही है। और इस पॉइंट को मैं आगे प्रूफ कर दूंगा, ठीक है, और इसको मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं, ठीक है। शॉर्टेस्ट कुमाऊं है भाई, हाँ जी, कहां पर मिलेगा? उत्तराखंड में। ओके एवरीवन, शॉर्टेस्ट कौन सा है? कुमाऊं, हाँ जी। तो अब सवाल उठता है कि अब हमको ये जो बी वाला जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अब इसके बारे में पढ़ना हमको शुरू कर देना चाहिए। अभी जो बी वाला हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इसके बारे में हमको पढ़ना क्या कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो, क्योंकि अब हम लोग उस पोजिशन पर पहुंच चुके हैं कि अब हम लोग इनके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले चुके हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इनके बारे में ले चुके हैं, हाँ या ना, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। यहाँ सर ले चुके हैं, ठीक है, इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो चुकी है। एक सेकेंड होल्ड करना, मुझे वाली लाइट ऑन करने दो।
एक्चुअली हमारे यहाँ पे बारिश होने वाली है, ऐसा फिर से लग रहा है। चलो चलो, हाँ जी चले वापस शुरू कर लेते हैं जहाँ पे अपन लोगों ने छोड़ा था बातें, वहीं से बातों को क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर छोड़ा है मैंने वहीं से बातों को अपन शुरू कर लेंगे। ठीक है चलो, अब अगर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ तो देखो क्या करना है, अगला मूव करना है, और अगला मूव करना है मुझे तो मुझे सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ें बतानी पड़ेंगी। किसके बारे में? ग्रेटर हिमालय के बारे में, या फिर आप बोलो कि सिर्फ हिमालय के बारे में। आगे बढ़ने से एक छोटा सा मैं एक नोट लिखाऊंगा जो कि कल की क्लास की समरी थी, जो जिसको कुछ भी नहीं आया उसके लिए, क्योंकि तो ये एग्जाम में आएगा। आज जहाँ पर हिमालय है, आज जहाँ पर हिमालय है, पहले वहाँ पे क्या था? कल मैंने आपको बताया था अर्लियर उस प्लेस पे क्या था, आज जहाँ पर हिमालय है पहले वहाँ पे क्या था? कमेंट में बताओ आप मुझे, आज जहाँ पर हिमालय है पहले वहाँ पे क्या था? हाँ बीच बीच में हो रही है भाई सुरेश, बताओ आज जहाँ पे हिमालय है पहले वहाँ पे क्या था? कल की क्लास में मैंने कराया है, आप बच्चों से मुझे आंसर चाहिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आज जहाँ पर हिमालय है पहले वहाँ पे क्या था? वेरी गुड रेखा जी, वेरी गुड। कल मैंने आपको बताया था कि आज जहाँ पर हिमालय है पहले वहाँ पे था टैथी सी। क्या नाम है? टैथी सी। कराया था नहीं कराया था? टैथी सी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, आज जहाँ पर हिमालय है पहले वहाँ पे क्या था? टैथी सी। एवरीवन है ना, संदीपन, आकाश, विवेक, मीनू, ज्योतिरादित्य, आरजू, साक्षी, वेरी गुड विवेक, आकाश, गुड़िया, रविवन, हर्ष, पुनीत, सौविक, संदीपन, रोहित, रोहित एंड शिवम, एवरीवन भाई वेरी गुड। 33 सीता। दूसरी बात, दूसरी बात, हिमालय का, हिमालय कैसे माउंटेन है? आंसर बताओ, हिमालय किस टाइप के माउंटेन है? हिमालय किस टाइप के माउंटेन है? एवरीवन वेरी गुड। हिमालय किस टाइप के माउंटेन हैं? व्हाट इज द टाइप ऑफ हिमालयाज? विच टाइप ऑफ माउंटेन्स हिमालयाज आर? ठीक है ना, हिमालय कौन से टाइप के माउंटेन हैं बताइए आप लोग मुझे कमेंट में, हिमालय कौन से टाइप के? वेरी गुड संदीपन, सनी, वेरी गुड भाई। कल की क्लास में मैंने बताया था हिमालय कैसे माउंटेन है, कोल्ड माउंटेन है यानी कि वलित पर्वत है। हिमालय कैसे माउंटेन है? कोल्ड माउंटेन है। ये क्वेश्चन भी कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मैंने आपको कल बहुत पढ़ाया था ये, इसको अपन लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वलित पर्वत। ये कुछ नहीं है, ये कल की क्लास की समरी है, जिसको कल की क्लास में कुछ समझ में ना आया वो ये याद रख ले, उसका बहुत काम हो जाएगा। और आपको बता दूं हिमालय को कहा जाता है, दे आर यंगेस्ट कोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड। ये नवीनतम वलित पर्वत हैं, ये नवीनतम वलित पर्वत हैं। ये क्या है दोस्तों? नवीनतम वलित पर्वत हैं, एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? यंगेस्ट कोल्ड माउंटेन है। और अरावली के बारे में क्या बताया था? ओल्डेस्ट माउंटेन। अरावली के बारे में क्या बताया था? ओल्डेस्ट माउंटेन। ठीक है ना, हाँ जी। हमारा साउथ इंडिया किससे बना हुआ है? गोंडवाना लैंड से। और हिमालय कैसे बने हैं भाई? जब इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर इंडियन प्लेट जो है वो किससे टकराई थी? यूरेशियन प्लेट से, तब बने थे क्या? हिमालय। कल मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालय भी पढ़ाया था, और उसी से रिलेटेड एक छोटा सा आप बोल सकते हो एनिमेशन वीडियो वाला मैंने डाल दिया था, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, वेरी गुड। ओल्डेस्ट क्या है भाई? अरावली। ओल्डेस्ट के बारे में मैंने बताया था अरावली, और अरावली कैसे माउंटेन है? रेसिडुअल माउंटेन, वेरी गुड एवरीवन, एवरीवन है ना। अरावली कैसे है? ओल्डेस्ट माउंटेन है, और वो कैसे माउंटेन है? रेसिडुअल या फिर रेसिडरी माउंटेन से। डन 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 गाइस, आप लोग यार समझ पा रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है देख करके। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे फर्स्ट टाइप के हिमालय।
अब हम लोग हेडिंग डालेंगे फर्स्ट टाइप के हिमालय, और जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, और इन्हीं को हिंदी में कहा जाता है बृहद हिमालय। इसी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, बृहद हिमालय। अब दोस्तों अगर बात करें इसको ग्रेटर हिमालय या फिर बृहद हिमालय क्यों कहते हैं बताओ, तो ग्रेटर हिमालय या फिर बृहद हिमालय क्यों कहते हैं, है ना, उसको मैं बताऊंगा। तो एक एक करके मैं इसको बता देता हूँ कि क्योंकि इस 2400 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज की एवरेज हाइट जो है, जो औसत ऊंचाई है, थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी आपको बताया था वो कितनी है, 6 किलोमीटर है। और इसके बारे में इसीलिए इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है ये, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप बच्चों को बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ऐसा है, ये ग्रेटर हिमालय सपोज करो ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है 2400 किलोमीटर तक, बट जब आप इसकी एवरेज हाइट निकालोगे, जब आप इसकी एवरेज हाइट निकालोगे तो ये कितनी आएगी, 6 किलोमीटर, ठीक है ना। वैसे 6100 किलोमीटर है। हाँ जी विनय जी बिल्कुल सही बात कर रहे हो, 6100 मीटर है, पर मैंने उसको एग्जैक्ट लिख दिया है कितना, 6 किलोमीटर। मैंने उसको एग्जैक्ट कितना लिख दिया हुआ है, 6 किलोमीटर, ठीक है ना। मैंने उसको एग्जैक्ट कितना लिख दिया हुआ है, एक सिंपलिसिटी के लिए 6 किलोमीटर। पर हाँ जो आप लोग बोल रहे हो वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, ये है 6100 मीटर। ये क्या है, 6100 मीटर, क्या है ये, 6100 मीटर। पर अगर मैं बात करूँ एग्जैक्ट, तो ये क्या है भाई, ये एग्जैक्ट है 6100 मीटर, और इसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया 6 किलोमीटर। क्या लिख दिया, 6 किलोमीटर। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, वर्ल्ड में हाईएस्ट रेंज है, और रेंज वगैरह क्या होती है ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि रेंज वगैरह क्या होती है, ठीक है, चलें आगे। ठीक, अब इसके बारे में और बात करते हैं, इसके बारे में और बात करते हैं। अगर मैं बात करूं क्या इसके अदर नेम की, अगर मैं बात करूं क्या इसके अदर नेम की, आकाश कुछ पूछना है तो बता देना, इसी का अदर नेम क्या है। फर्स्ट नेम तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट नेम तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेटर हिमालय, ठीक। दूसरा इसको कहा जाता है हिमाद्री, दूसरा इसको क्या कहते हैं, हिमाद्री, क्या बोलते हैं, हिमाद्री। और तीसरा इसका नाम है इनर हिमालय, तीसरा इसका नाम क्या है, इनर हिमालय, तीसरा इसका नाम क्या है, इनर हिमालय, क्या नाम है, इनर हिमालय। हाँ अब इसका नाम ये दोनों क्यों है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, देखो इसके नाम ये क्यों है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, ये देखो इसके ऊपर क्या जमी हुई है, बर्फ, बर्फ यानी कि आइस, है ना, और बर्फ को हिंदी में बोलते हैं हिम, तो क्योंकि ये हिम से ढका हुआ है इसलिए इसको क्या बोल दिया, हिमाद्री। हिमाद्री संस्कृत वर्ड है, और वेदों में ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री कहा गया है, क्या कहा गया, हिमाद्री, ठीक है, तो हिमाद्री समझ में आ गया। और ग्रेटर क्यों बताया, क्योंकि देखो इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6 किलोमीटर, ये भी समझ में आ गया। पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इसको इनर क्यों कहा गया, तो ये भी समझ में आ जाएगा आपको। इधर ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये 3 रेंजेस है, 1 2 3, तो ये वाली आउटर है, ये वाली मिडिल है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इनर हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, इनर हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है सबको, एक एक बच्चे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई, डाउट नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, नहीं आ रहा तो बता देना। तो नेम क्लियर है सबको, सारे बच्चों को नेम क्लियर है, एक एक बच्चे को नेम क्लियर है तो बताओ। अब मैं इसके बारे में आपसे बात करना चालू करता हूँ, नेम सबको क्लियर है ना, चलो तो अब इसके बारे में शुरुआत करते हैं।
इसकी शुरुआत होती है कहाँ से? ये ग्रेटर हिमालय की रेंज है पूरी। इसकी शुरुआत हो रही है कहाँ से? अगर दोस्तों हम लोग बात करें, यार ये बाल, तो इसकी शुरुआत होगी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, यहां से इसकी शुरुआत होगी। आप सबको देखो ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब यार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। नंगा पर्वत ये रहा, यहाँ पे नंगा पर्वत सपोज करो, ये इसका रेंज है इधर वाला, ठीक। और इस वाले एरिया में आप चले जाओगे, ये वाले एरिया में, तो इसका नाम है नामचा बरवा। इसका नाम है नामचा बरवा। भाई पहाड़ियां हैं ये सब, नंगा पर्वत और नामचा बरवा। अगर मैं बात करूं नंगा पर्वत के बारे में, तो इसकी हाइट कितनी है? 8126 मीटर, यानी कि 8.1 किलोमीटर, ठीक है। इसकी हाइट बता रहा हूं मैं, भाई बताओ आप लोग, बता सकता है कोई किसकी हाइट बता रहा हूं मैं? नंगा पर्वत की, ठीक। और यहाँ पे क्या है, नामचा बरवा। नामचा बरवा कहाँ है? लगभग 7 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट है। इसका कुछ हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश में, इसका कुछ हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। अरे यार एग्जैक्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा। हाँ जी, इसका कुछ पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश में, और सम पार्ट इसका लोकेटेड है कहाँ पर? तिब्बत में। कुछ हिस्सा इसका कहाँ पे लोकेटेड है? तिब्बत में। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नामचा बरवा से लेकर के नंगा पर्वत तक फैला हुआ है, नंगा पर्वत तक। और इसकी भी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा रेंज कितना लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। और यहाँ पर अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, क्योंकि तो यार देखो ये पूरा मैप का खेल है, ये देखो ये यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, नामचा बरवा, सॉरी नामचा पर्वत नहीं, क्या बोला, नंगा पर्वत, ठीक। और अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखा दूंगा नामचा पर्वत। ये यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पे आपको मिलेगा नामचा पर्वत, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में टच करेगा, ये यहाँ पे। तो ये यहाँ से लेकर के पूरी रेंज, ये देखो ये नेपाल आ जाएगा बीच में, और ये पूरी रेंज, ये पूरी जो दिख रही, यही है ग्रेटर हिमालय। यही रेंज क्या है दोस्तों? ग्रेटर हिमालय है। यही रेंज क्या है? ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि नंगा पर्वत कौन से स्टेट में है, या फिर कौन से यूटी में है, ठीक है। मैंने आपको मैप में बताया, आप अभी नहीं बता पाओगे तो मुझे कमेंट में बताओगे, बट आप बताओगे, ठीक है ना, कि नंगा पर्वत कहाँ पर है। क्योंकि मैंने आपको मैप का भी अंदाजा दिया, सब कुछ इतना तो मैं आपसे करवाऊंगा ही, ताकि आप लोग कम से कम मैप तो देखो। आप सब लोग मुझे कमेंट में लिख करके बताओगे कि नंगा पर्वत की लोकेशन कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, या फिर कौन से यूनियन टेरिटरी में। और ये पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूरा का पूरा ये ग्रेटर हिमालय है। और इसी में दोस्तों यहाँ नेपाल वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, नेपाल वाले रीजन में आपको यहीं पर देखने को मिलेगा माउंट एवरेस्ट। अरे जो माउंट एवरेस्ट है, अभी मैं इनके बारे में बात करूंगा, ये कहाँ पर है? नेपाल। ये कहाँ पर है? नेपाल, ठीक है। यहीं पर आपको एक और चीज मिलेगी, ये है आपके सिक्किम में, ये आपके सिक्किम में। एक और कल मैप आपको दिखा दूंगा मैं अच्छा वाला, ये क्या है सिक्किम में। और सिक्किम में आपको क्या मिलेगा, माउंट कंचनजंगा, माउंट कंचन जंगा, क्या है, माउंट कंचनजंगा, क्या नाम है, माउंट कंचनजंगा। गाइस अगर मैं बात करूं किसके बारे में, माउंट कंचनजंगा के बारे में, तो ये कहाँ पर है? सिक्किम में। माउंट कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। आई होप आपको ये बात सबको समझ में आ गई होगी, माउंट कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है। हाइट की आप बात कर रहे हो माउंट एवरेस्ट की, तो पहले इसकी हाइट लिखी होती थी 8848, बट राइट नाउ इसकी हाइट कितनी है? 8850। माउंट एवरेस्ट की हाइट लगातार बढ़ रही है, ठीक है। और अगर मैं माउंट कंचनजंगा की हाइट की बात करूं, तो इसकी हाइट कितनी है? 8598। इसकी हाइट कितनी है? 8598, ठीक है। कल अपन लोग बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं, ये मैं आपको एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। अभी इसको मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा, अभी मैं आपको इसको मैप में भी दिखाऊंगा,
और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सारे बच्चे ये वाला लेक्चर जरूर एक बार देख करके आए, ठीक है। और अभी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और मैं ये वापस आ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ दिखाना है मुझे आपको, पूरा मैप का ही तो गेम है यार। ये देखो, ये अगर आप यहाँ पे आओ, ये है हमारा सिक्किम। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माउंट, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा माउंट कंचनजंगा, ये सिक्किम में, ठीक है। और इस वाले रीजन में आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा, माउंट एवरेस्ट, ये मैंने आपको बता ही रखा है, नामचा बरवा। और यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नंगा पर्वत, है ना। तो ये देखो, ये है पूरा का पूरा कौन सा एरिया, नेपाल। ये रहा नेपाल। आई होप गाइस बात समझ में आ रही होगी। ये क्या दिख रहा है, नेपाल। अश्वम कौन सा बताना है भाई, कौन सा बताना है, एक बार फिर से कमेंट करो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा दोबारा। एक बार कमेंट कर दो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये नामचा बरवा है, जो मैं आपको वहां पे वन लाइन दिखा रहा था। ये क्या है भाई, नंगा पर्वत है, ठीक है। और ये वाली जो कंट्री आपको दिख रही है, ये क्या है, ये नेपाल है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माउंट एवरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माउंट कंचनजंगा, ये हमारा सिक्किम है। हाँ, लास्ट वाली, इस लास्ट वाली स्लाइड में आपको बिल्कुल दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। लास्ट वाली स्लाइड भाई कहाँ जाएगी, वो तो मेरे पास ही है ना। चलो, और अभी स्लाइड भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। आज के लेक्चर में अभी तक कोई डाउट है क्या? अब सेशन को क्योंकि एंड करूंगा मैं, ग्रेटर हिमालय जो है, आप लोग ये पूरा पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में ना यहीं से आगे कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे कराऊंगा। ये देखो जो चीज़ मैंने मैप में दिखाई वो ये देखो, ये रहा आपका नंगा पर्वत, ये रहा जो मैं आपको दिखा रहा था माउंट एवरेस्ट, ये रहा क्या, ये रहा क्या, माउंट कंचनजंगा। ये देखो, ये रहा माउंट कंचनजंगा, और ये रहा नामचा बरवा, ठीक है भाई। प्रतीश भाई अभी भागो मत, जो आपको जो जो धौलागिरी की आप बात कर रहे हो ना, वो मिडिल हिमालय में मिलेगा आपको, ठीक है ना। वो मिडिल हिमालय में मिलेगा, टेंशन मत ले, सब पढ़ाऊंगा। वो कहाँ पे मिलेगा, धौलागिरी, मिडिल हिमालय में मिलेगा, टेंशन मत लो। अभी आज की क्लास में बताओ, मेरे साथ चलो, आगे आगे मत भागो, कोई डाउट नहीं बचेगा, टेंशन मत लो। बताओ एवरीवन, कोई डाउट है। माई प्लेजर एवरी वन। क्वालिटी स्टार्ट होने वाली है 7th of July या फिर 8th of July से स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ तक 7th of July से ही हो जाएगी, ठीक है ना। प्लस में स्टार्ट हो जाएगी, और जो बच्चे भी प्लस लेने वाले हैं वो यूज़ कर लेना, एक कोड मैं दे रहा हूँ, ANG11, ठीक है। अनअकैडमी का जब आप प्लस लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो याद रखना, जितने भी टाइम का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी पे, ठीक है, तो आप उतने समय तक, सपोज करो आपने 1 ईयर का लिया, तो क्या होगा, अगर आपने कितने का लिया, 1 ईयर का लिया, तो 1 ईयर तक जितने भी कोर्स उसमें आते जाएंगे, जितने भी कोर्स उसमें एड ऑन होते जाएंगे, या फिर जितने भी पुराने कोर्स हैं, है ना, एड ऑन कोर्सेज भी और पुराने कोर्स भी, सारे के सारे आप वहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो वहाँ पे प्लस में मैं पॉलिसी स्टार्ट करने वाला हूँ, बाकी अपन लोग देखेंगे कल, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपन मिलेंगे कल, है ना, ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है ना। चलो, अपन मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर। जस्ट अ मिनट, इसको स्टॉप कर, चलो बाय, टेक केयर एवरी।